इट्स शालिनी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई रियली होप यू गाइस आर डूइंग वेल। इन टुडेज वीडियो आई विल बी क्रिएटिंग दिस वेरी ब्यूटीफुल ग्लोई ट्रेडिशनल इंडियन ग्लैम लुक। बेस बहुत लाइट वेट है, फोकस इज ऑन द स्किन, ऑन द आईज अ लिटिल बिट। एकदम परफेक्ट बैलेंस है ग्लोइनेस और डूइनेस का इस मेकअप लुक में। स्किन केयर करूंगी, फिर मेकअप भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने क्रिएट किया। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद स्किन केयर। मैंने अपना फेस ऑलरेडी धो लिया है। जब भी कोई भी मेकअप रूटीन मैं अपने चैनल पर बताती हूँ, हमेशा स्किन केयर के बारे में बात करती हूँ। दैट स्किन केयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ताकि आपका स्किन हेल्दी लगे। मेकअप ऑल्सो सिट्स वेल ऑन योर स्किन। मेरी स्किन ना काफी बेहतर हो चुकी है पहले की कंपेरिजन में। आई मीन एक्ने मार्क्स है अभी भी, और एक्ने अभी भी आते हैं मुझे। और लिप्स के यहाँ कॉर्नर पे आप लोग देख सकते हो, देयर इज अ पिगमेंटेशन। दिस इज एक्चुअली स्किन बर्न। मैंने अभी रिसेंटली वो करवाया था लेजर ट्रीटमेंट, उसकी वजह से स्किन बर्न हो गया है। हील होने में काफी समय लगने वाला है इसको, फॉर श्योर लाइक 6-7 मंथ्स तो लग जाएंगे। एनीवे, सो व्हाट आई एम गोना डू नाउ इज अप्लाई रोज वाटर ऑल ओवर माय फेस। पिछले कुछ 2-3 दिन से तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, सो इफ आई साउंड अ बिट लो टुडे इट्स बिकॉज ऑफ माय तबीयत। ओके, एंड देन आई एम गोना टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 20% विटामिन सी सीरम। दिस इज रियली ग्रेट फॉर पिगमेंटेशन एंड इंस्टेंट ग्लो भी आपको देता है स्किन में। सो जस्ट गोना पैट इट ऑल ओवर माय फेस। फिर आप लोग इंस्टेंट ग्लो ऑन माय फेस। आई एम गोना वेट फॉर 20 सेकंड्स ताकि अच्छे से मेरे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग माय सनस्क्रीन। दिस इज द एक्वालॉजिका। दिस इज अ ड्यूई सनस्क्रीन और हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है ये, सो आई कैन स्किप माय मॉइस्चराइजर। तो आई हैव टेकन दिस मच एंड जस्ट पैट इट ऑल ओवर माय फेस, माय नेक एंड ब्लेंड। जो भी सनस्क्रीन बच जाता है ना, मैं उसे ऐसे हाथों पे अप्लाई कर देती हूँ। एंड आई एम गोना बी वेटिंग फॉर 2 मिनट्स ताकि सनस्क्रीन अच्छे से मेरे फेस पे एब्जॉर्ब हो जाए, एंड देन आई कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। सो सी यू इन 2 मिनट्स। ओके, 2 मिनट्स आर डन। सनस्क्रीन अच्छे से मेरे स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है। लुक एट द ड्यूई ग्लोई स्किन। बट वी आर गोना नॉच इट अप बाय यूजिंग दिस प्रोडक्ट। दिस इज एकोलॉजिकल्स ग्लो प्लस जूसी ड्यू ड्रॉप। इफ यू आर इनटू ग्लोई मेकअप, ड्यूई मेकअप, यू हैव टू ट्राई दिस प्रोडक्ट वंस। सो आई एम गोना बी टेकिंग द प्रोडक्ट ऑन माय फिंगर्स लाइक दैट एंड देन अप्लाई डायरेक्टली ऑन माय फेस। Just look at this glow on my face, you guys. Okay, starting with the makeup, I'll be using color corrector around my lips, especially यहाँ पे, क्योंकि this pigmentation is so prominent now. ठीक है, और कहीं भी अप्लाई नहीं करूंगी मैं। एंड आई बी ब्लेंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ माय रिंग फिंगर। मुझे काफ़ी बार ऐसे क्वेरीज आते हैं, दैट शालिनी वी अप्लाई दी कलर करेक्टर, उसके ऊपर फाउंडेशन या कंसीलर अप्लाई करते तो फाउंडेशन कंसीलर ऑरेंज दिखना शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों? द थिंग इज दैट यू आर नॉट गिविंग इनफ टाइम टू योर कलर करेक्टर टू लाइक सिट प्रॉपरली ऑन योर फेस। मैं लेट इट सेटल इन टू माई स्किन ताकि बैठ जाए अच्छे से, उसके ऊपर आई कैन अप्लाई माई कंसीलर और फाउंडेशन। जब तक ये सेटल हो रहा है तब तक मैं कंसीलर अप्लाई कर लेती हूँ। दिस इज लैक्मे 9 to 5 कंसीलर इन द शेड आलमंड। सो आई विल बी यूजिंग दिस कंसीलर टू कलर करेक्ट अंडर माई आईज, क्योंकि मुझे अंडर आई डार्क सर्कल्स है। एंड आई बी यूजिंग अनदर कंसीलर टू हाईलाइट अंडर माई आईज। ओके, इनर कॉर्नर पे, अंडर आई बैक्स पे एंड आउटर कॉर्नर एंड माई टी जोन एरिया एज वेल ऑन माई नोज एंड यहाँ पर। फाउंडेशन आई एम यूजिंग मिस्क्रेट का फाउंडेशन इन द शेड कैरेमल। काफी अच्छा फाउंडेशन है ये, बट आई वांट टू मेक दिस अ ड्यूई फाउंडेशन। तो मैं ये ग्लो प्लस ड्यू ड्रॉप एक ड्रॉप डाल रही हूँ इसमें। ठीक है, एंड आई एम गोना मिक्स दिस लाइक दैट एंड डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई करूंगी मैं। फिर फाउंडेशन ब्रश की मदद से आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग इट इनटू माय स्किन। सी कितने फास्ट ये ब्लेंड हो रहा है एंड गिविंग मी सच ब्यूटीफुल कवरेज एज वेल। अब कंसीलर भी सेट हो चुका है, आई कैन ब्लेंड इट। उससे पहले आई बी अप्लाइंग अनदर कंसीलर। दिस इज टेक कवर कंसीलर बाय पैक इन द शेड बर्थडे सूट। तो इनर कॉर्नर पे ऐसे करके अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा टी जोन पे लाइक दैट एंड वी कैन स्टार्ट ब्लेंडिंग इट। इनर कॉर्नर से ब्लेंड करना मैं शुरू करूंगी। आई एम यूजिंग अ कंसीलर ब्रश टू ब्लेंड द प्रोडक्ट। ठीक है, अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना मस्त हाईलाइटेड दिखेगा मेरा इनर कॉर्नर। लग रहा ना इनर कॉर्नर अच्छे से हाईलाइट। बिफोर सेटिंग माई फेस मैं टिंट अप्लाई करूंगी। दिस इज द शेड बॉस मॉम बाय कप्स एंड लैशेस। और मैं ब्रश की मदद से टिंट को पिक कर रही हूँ। यू कैन यूज योर फिंगर्स एज वेल, बट ब्रश इज गोना मेक द प्रोसेस सो मच फास्टर। एंड स्माइल एंड अप्लाई ऑन माई नोज एज वेल। आप इसे फाउंडेशन के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो फॉर दैट विद इन ग्लो, बट आई वेंट ओवर द फाउंडेशन। क्विकली गोना यूज माई फाउंडेशन ब्रश ओवर दिस ताकि फाउंडेशन के साथ ये ब्रश थोड़ा ब्लेंड हो जाए।
And also gonna tone down the blush. Now I'll be using translucent powder by Mama Earth to set my face, but पूरे face को set नहीं करूँगी. Under eye को, T zone area को और around my mouth I'm gonna set my face. So सबसे पहले concealer brush की मदद से I will just make sure there is no creasing under my eyes. So going over with my concealer brush again. And then छोटे से brush से मैं pick करूँगी translucent powder, tap off the excess like that, look up and set. वो ग्लो और डूइनेस इज स्टिल देयर ऑन माय फेस, स्पेशली ऑन दिस पार्ट ऑफ माय फेस, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माय फेस. ग्लो और ऐड करूंगी विद द हेल्प ऑफ द हाइलाइटर. जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. आई एम गोना सेट दिस पार्ट ऑफ माय फेस ऑफ कैमरा. ओके, आई एम बैक आफ्टर सेटिंग दिस साइड ऑफ माय फेस. लेट्स डू माय आईब्रोज. आई एम जस्ट कॉम्बिंग थ्रू माय आईब्रोज फर्स्ट. आई बीन रियली लाइकिंग दैट फेदरी आईब्रो लुक. तो सबसे पहले आई एम गोना फिल इन द स्पार्श एरियाज ऑफ माय आईब्रोज. And then I'm gonna set my eyebrows. This step is also gonna separate my eyebrow hair. ठीक है, सो हल्के हल्के स्ट्रोक से आई विल स्टार्ट सेटिंग माई आईब्रोज. और आप लोग देख सकते हो कैसे सेपरेट हो रहे हैं मेरे आईब्रो के बाल. लुक एट दैट, क्या मस्त लग रहा है. Moving on to eyes, I'll be using this palette by Cuffs and Lashes. This is in collaboration with Shy Styles and I'll be picking this shade from this palette. By the way, इस palette का नाम है Beautiful Disaster. And applying this on my crease line. बहुत ही easy eye look को create करना. It's such a beautiful traditional eye look that I'm gonna show you. फिर दूसरे brush की मदद से I'll be picking this dark maroon shade and applying that on the outer half first, flicking it outwards and just patting it all over my eyelid like that. ऐसे टैप 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 करके, ठीक है, फिर अच्छे से दोनों कलर को ब्लेंड कर देती हूँ मैं, क्रीज कलर को और ये डार्क मरून कलर को. उसके बाद आई एम यूजिंग कोल काजल बाय मामा अर्थ. वी मेक श्योर कि टिप हमारा पॉइंटी है. आई विल बी यूजिंग दिस एज अ आईलाइनर. हल्का सा फ्लिक क्रिएट करूंगी. ऑल राइट, आईलाइनर क्रिएट करने के बाद आई विल बी टाइट लाइनिंग माय अपर वाटर लाइन विद दिस and my lower lash line with this as well. अब यहाँ पे ट्रिक ये है कि you have to tight line the inner tear duct area as well. When you cover the inner tear duct area, ना look at the difference. It looks more put together. Now I'm taking a pencil brush, spraying some setting spray, and I will highlight the inner corner. तो यहाँ जहाँ पे मैंने tear duct area को tight line किया ना, उसके ऊपर मैं highlight करूँगी, ठीक है? And हल्का सा lower lash line पे I'll bring it. And just look up और यहाँ पे highlighter को blend कर दो अपने eye shadow के साथ without picking extra product, okay? Just going over with my kajal again in the inner tear duct area just to make sure कि उसकी intensity कम नहीं हुई है वहाँ पे. So by highlighting your inner corner, you're adding perfect amount of glitter and glam to your look without overdoing it, you know? So eyebrow arc area को भी highlight कर देती हूँ like that. अब हम फेस पे हाइलाइटर अप्लाई करेंगे. उससे पहले आई बी सेटिंग माई एंटायर फेस. दिस इज अ डूई सेटिंग स्प्रे दैट आई एम यूजिंग. स्टार्ट फैनिंग योर फेस एंड आई एम गोना पिक माई हाइलाइटर ऑन द टिप ऑफ दिस ब्रश, टैप ऑफ द एक्सेस एंड हाइलाइट माई फेस. तो मैं यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लेके जाऊंगी इन सर्कुलर मोशन लाइक दैट. फेस को पहले सेट करके हाइलाइटर अप्लाई करने से ना हाइलाइटर और निखर के आता है. पेंसिल ब्रश की मदद से आई एम गोना हाइलाइट ब्रिज ऑफ माई नोज लाइक दैट. You can also highlight tip of your nose, but I'm gonna avoid that. वरना और एकदम bulb जैसे लगूंगी मैं. And I'm gonna be highlighting my cupid's bow. I'm gonna set my blush now with the help of this powder blush. जहाँ पे highlighter apply किया था ना, उसके ऊपर भी place कर रही हूँ blush को. और अपने cheeks पे, nose पे, chin पे. Beauty sponge पे मैंने pick किया translucent powder. I'm going to carve my blush line with this like that. वहीं पे ब्लेंड कर दिया उसे. दिस इज द एडिशनल स्टेप दैट आई एम डूइंग. यू डोंट रियली हैव टू डू दिस, बट ये स्कल्प्ट करने में बहुत अच्छे से मदद करता है फेस को. यू गाइस नो दिस दैट माय फोरहेड इज डार्कर देन रेस्ट ऑफ माय फेस. सो यहाँ यहाँ पे हल्का सा मैं कॉन्ट्रोल कर देती हूँ. फॉर दैट आई एम बी पिकिंग दिस ब्राउन शेड फ्रॉम दिस आई शेडो पैलेट. एंड यहाँ बस हेयर लाइन के पास अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा जॉ लाइन के पास अप्लाई कर दिया लाइक दैट. एंड इफ यू गॉट टाइम यू कैन ऑल्सो कॉन्टोर योर नोज. अगेन एडिशनल स्टेप दैट आई एम डूइंग. यू डोंट रियली हैव टू डू दिस. जहाँ पे मेरा आईब्रो शुरू है ना, वहाँ से लेके यहाँ तक आई एम गोना क्रिएट टू स्ट्रेट लाइन एंड वन लाइन हियर एंड देन ब्लेंड. एंड आई एम गोना अगेन सेट माई फेस, क्योंकि मैंने पाउडर प्रोडक्ट अप्लाई किया और मैंने हाईलाइटर अप्लाई किया. सो आई एम गोना सेट माई फेस अगेन. और ये डूई सेटिंग्स मैं यूज़ कर रही हूँ. क्विकली फैन, क्विकली फैन. With the help of the back of my sponge, I will press it into my skin, this setting spray.
And now look at my base. I mean, wow, this is so stunning. Now I'm gonna curl my eyelashes. And I'll be applying this mascara by Maybelline. ये length और volume दोनों provide करता है. You know, मैंने ऐसे traditional look last year भी create किया था, but the focus was mostly on the eyes. But आज आप लोग देख सकते हो, focus is on the base today mostly. And I have a perfect red जो कि इस eye look को इतने अच्छे से compliment करेगा. इस red का जो undertone है ना, is just so bomb. So first I'm gonna be outlining my lips. So lip liner का color is exactly the same color of the lipstick. You don't really have to apply the lip liner, but क्योंकि I'm using a darker color का lipstick shade and sometimes I can like mess it up. So, इसलिए मैं लिप लाइनर पहले अप्लाई कर रही हूँ एज अ बेस, उसके ऊपर मैं लिपस्टिक अप्लाई करूंगी. आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस लैक्मे फॉरएवर मैट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड रेड सांगरिया. दिस कलर सो ब्यूटीफुल. ओके, गिविंग फिनिशिंग टचेस, लेट्स अप्लाई माय बरुण बिंदी एंड माय नोज रिंग. You can also wear mang tikka with this, but I don't want to overdo it. Alright, so with that I completed my traditional glowy desi glam pataka look. Face मैंने बहुत ही light रखा है, एकदम rosy rosy सा dewy सा skin लग रहा है मेरा. You can definitely create this look under 30 minutes. एक बार practice हो जाए तो. I'm wearing a red lipstick, but you can definitely wear nude lipstick with this look. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा. आप इस look को दिवाली में या upcoming wedding season में definitely create कर सकते हो. On that note, this was the video for today. Subscribe to my channel if you haven't already. Like this video, share this video with your friends and family, and I wish you all happy Diwali. मैं आपसे फिर मिलूंगी with a brand new content on my channel. Bye everyone. Take care.